दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक है या नहीं, इसको आप कैसे पता लगा सकते हैं और साथ में आप क्या क्या सेटिंग कर लेते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, इसमें एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों जब आप अपने फेसबुक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों आपको बता दूं, पहले जैसे सेटिंग आपको फेसबुक में देखने को मिलती थी, लेकिन अब वैसी सेटिंग आपको फेसबुक में नहीं देखने को मिलेगी। सब सेटिंग इधर उधर हो गई है। फेसबुक पर मेटा टेक्नोलॉजी आने से सब कुछ बदल गया है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आप अपने फेसबुक को ऐसे ओपन करेंगे तो आप अपने प्रोफाइल वाले आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा और एक नीचे यहाँ पर भी सेटिंग एंड प्राइवेसी की सेटिंग देखने को मिल रही होगी। आप चाहे यहाँ से या चाहे यहीं से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आप यहीं से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर ही आप देख सकते हैं मेटा अकाउंट सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको ही बहुत सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे पर्सनल डिटेल्स है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है, आई प्रेफरेंस है, पेमेंट है। तो आपको यहीं पर सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे वेयर आर यू लॉग्ड इन में इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपने फेसबुक पर जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी अकाउंट ओपन करके देखिए और ओपन करने के बाद आप जिस जिस फ़ोन में लॉगिन हुए होंगे वह सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीवो वाई 12 है और एक रियलमी 5 है, ये दोनों ही फ़ोन हमारे ही डिवाइस का है दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये किसी और का है और आपका नहीं है तो आप इसको यहीं से यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से लॉग आउट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिसको आपको लॉग आउट करना है उसको यहाँ से एक बार सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ से आप ये लॉग आउट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अब फिर से हम यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका अकाउंट किसी और डिवाइस में चल रहा है या आपका अकाउंट हैक होने की शंका लग रही है तो आप सबसे पहले यहाँ चेंज पासवर्ड में जाएंगे। चेंज पासवर्ड में जाके जो वाला अकाउंट जैसे आपको दिख मालूम हो रहा है तो उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप अपना करंट पासवर्ड देख के अपना एक नया पासवर्ड बना लेंगे, यानी कि आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लेंगे तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर अपने अकाउंट को यहाँ से भी आप एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं, अपने अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम अपने फेसबुक पे जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया है और एंटर करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको इन तरह से सजेस्ट करेगा OTP के लिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा नंबर होगा वो उस नंबर पे ये OTP जाएगा, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो OTP आएगा यहाँ पे हम OTP डालेंगे। फाइनली यहाँ पर हमने अपना OTP डाल दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे फ़ोन में ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम डन करेंगे। अब ये सेटिंग ऑन करने से दोस्तों आपको ये फ़ायदा है कि जब कोई मान लो कोई पर्सन आपके फेसबुक को किसी और डिवाइस में ओपन करेगा या चाहे लॉगिन करेगा तो सबसे पहले आपके पास
OTP आएगा। आप जब तक उसको OTP नहीं देंगे तब तक वो वहाँ से आपके फेसबुक को लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, है ना। अब दोस्तों चौथे नंबर पर लास्ट वो इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हैं लॉगिन अलर्ट, इसके ऊपर अब हम जाएंगे। और इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपना हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन अलर्ट है। आपके फेसबुक के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, चाहे कोई किसी और डिवाइस में लॉगिन करके कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो आप ये यहाँ पे एक ऐप नोटिफिकेशन द्वारा और एक ईमेल द्वारा यहाँ पे दोनों को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। और कुछ भी अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन कुछ भी करेगा तो यहाँ से आपको ईमेल द्वारा एक मैसेज आ जाएगा और ऐप द्वारा यहाँ आपके फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगी कुछ भी आपके फ़ोन के आपके फेसबुक के साथ अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ से आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को बिल्कुल सिक्योर और सुरक्षित बना सकते हैं, अपने फेसबुक को हैक होने से भी बचा सकते हैं। फेसबुक सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी मैंने दोस्तों आपको बता दी। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी हेल्प कर पाई है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। फेसबुक से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।